देखिए क्लास 11th में सदिश विश्लेषण चैप्टर चल रहा था और इसमें हमने दो सदिशों का अदिश गुणन पहले पढ़ा दिया है और अब आपका दो सदिशों का सदिश गुणन। इसमें क्या होता है तो आपको पता है कि हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। आज क्या लिखते हैं हम लोग, मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा ईटा कैप, जहाँ ईटा कैप अभिलंब इकाई सदिश, अभिलंब इकाई सदिश को प्रदर्शित करता है, इकाई सदिश को प्रदर्शित करता है। और मॉड ए पहले ही बताया जा चुका है, मॉड ए क्या होता है, ये वेक्टर ए का परिमाण होता है और मॉड बी वेक्टर बी का परिमाण होता है, मॉड बी वेक्टर बी का परिमाण होता है। और थीटा जो होता है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के मध्य का कोण होता है, मध्य का कोण होता है। जैसे हम लोगों को निकालना रहता है दो सदिशों के सदिश गुणन का परिभाषा बताना है, कैसे बताएंगे तो ये लिखते हैं, दो सदिशों के परिमाण और उनके बीच की ज्या के गुणनफल को दो सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं। क्या? दो सदिशों के परिमाण, दो सदिशों के परिमाण तथा उनके मध्य की ज्या, उनके मध्य की, मध्य की ज्या, ज्या साइन को बोलते हैं, उनके मध्य की ज्या को, ज्या के गुणनफल को, गुणनफल को दो सदिशों का, दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं, सदिश गुणनफल कहते हैं। अर्थात अगर दो वेक्टर हम लोग ए और बी लेते हैं तो उसको इस प्रकार से क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा ईटा कैप, ईटा कैप अभिलंब इकाई सदिश को अभिव्यक्त करता है, इकाई सदिश है तो इसका परिमाण एक होता है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा हो जाता है। ठीक, मॉड ए पहले से ही पता है ए का परिमाण है, मॉड बी बी का परिमाण है, थीटा ए और बी के मध्य का कोण है, ये जो होता है वो इकाई सदिश होता है, ये दिशा को प्रदर्शित करता है, इसकी दिशा वामावर्त है या दक्षिणावर्त है, ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल है। क्या मिल गया, अगर ईटा कैप को हटा देते हैं हम लोग यानी उसका परिमाण ले लेते हैं तो मॉड ये ए क्रॉस बी इक्वल टू हम लोग को मिल जाता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग आई क्रॉस आई निकालते हैं, आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा, तो आई क्रॉस आई जीरो डिग्री का कोण बनाता है एक दूसरे से, ये मॉड आई, मॉड आई और साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा जीरो, तो आई क्रॉस आई कितना आता है जीरो आता है, जे क्रॉस जे कितना आता है जीरो आता है, के क्रॉस की कितना आता है जीरो आता है। ठीक, लेकिन इसके पहले हमने जब अदिश गुणनफल बताया था तो वहाँ पर हमने बताया था कि आई डॉट आई, जे डॉट जे या के डॉट के की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, परंतु यहाँ पर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के हम लोग देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो जीरो। ठीक, डॉट प्रोडक्ट में यही वैल्यू वन होती है,
लिए प्रक्रम होते हैं। तो ये ऐसे आई कैप जे कैप और के कैप, आई क्रॉस जे अगर निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, आई क्रॉस जे, ये हम लोग को के दे देता है, और जे क्रॉस के निकालते हैं तो ये हम लोग को आई दे देता है, और के क्रॉस आई निकालते हैं तो ये हम लोग को जे दे देता है। इस प्रकार ये चक्री प्रोसेस की तरह काम करता है, ठीक है। आई क्रॉस जे के दे देता है, जे क्रॉस के आई दे देता है, और के क्रॉस आई जो है जे दे देता है, जे कर, ठीक। आई क्रॉस जे कर इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप, के क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप। और यहाँ हमने पहले ही प्रूफ कर दिया आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, ठीक है। इस प्रकार दो सदिशों का सदिश गुणन, अगर उदाहरण देखा जाए तो इसका उदाहरण बल आघूर्ण होता है। उदाहरण के लिए क्या चीज, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण जो होता है वो सदिश राशि होता है, और ये आर क्रॉस यफ के बराबर होता है। टाउ इक्वल टू आर क्रॉस यफ, क्या है यफ, बल है, आर क्या है, लंबवत दूरी है। तो बल और लंबवत दूरी के क्या सदिश गुणनफल को बल आघूर्ण टाउ लिखते हैं, तो टाउ इक्वल टू आर क्रॉस यफ हो जाता है, ठीक। इसी तरह अगर रेखीय वेग देखते हैं v इक्वल टू, तो वेक्टर r क्रॉस ओमेगा होता है, v इक्वल टू v कितना हो जाता है, r क्रॉस ओमेगा, ओमेगा क्रॉस r, ठीक। लेकिन इसमें देखिए एक बात और है कि हम लोग a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों बराबर नहीं लिख सकते, इसमें दिशा का अंतर होता है, ठीक। अगर a क्रॉस b की दिशा वामावर्त है तो b क्रॉस a की बट I क्रॉस J इक्वल टू माइनस J क्रॉस I है, और I क्रॉस J कितना होता है, I क्रॉस J होता है K, ठीक। तो J क्रॉस I क्या होता है, ये होता है माइनस, ठीक है, माइनस चिन्ह जो है परिवर्तित हो जाता है। टाउ इक्वल टू R क्रॉस F, लेकिन अगर माइनस R क्रॉस F लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग कैसे सदिश गुणनफल ज्ञात करते हैं। सारणी के रूप में कैसे जो है सदिश गुणनफल ज्ञात करते हैं, देखिए यदि दो वेक्टर, ये वेक्टर ए है, ये दिया है हम लोगों को 3i कैप 2j कैप प्लस 5k कैप, तथा वेक्टर b इक्वल टू कितना लिखा है, ये लिखा है 3i कैप माइनस 5k कैप प्लस 2k कैप, ये लिखा है, कह रहा है इतना वो तो वेक्टर a तथा b का सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। सदिश गुणनफल सारणिक रूप में, सारणिक रूप की सहायता से ज्ञात कीजिए, सारणिक रूप की सहायता से ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कैसे किया जाएगा, देखिए ये ए है, ये बी है, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में दिया है, क्या दिया है, वेक्टर ए बराबर कितना दिया है, 3i का 2j का प्लस 5k का, तथा वेक्टर बी में दिया है 3i का माइनस 5j का प्लस 2k का, ये दिया हुआ है,
सारणिक रूप में, सारणिक रूप में क्या चाहिए? ए और बी का, ए और बी का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए क्रॉस बी। कैसे लिखेंगे? ये आई हो जाएगा, जे हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग अपने से लिख लेते हैं आगे के। अब ए और बी के जो जो एलिमेंट है, आई के आगे तीन है तो आई के आगे तीन, जे के आगे दो तो जे के आगे दो, के आगे पांच तो के आगे पांच। उसी तरह बी वाला बिल्कुल, पहले ए दिया तो ए का है, फिर बी दिया है बी का, इतना लिखेंगे तीन माइनस पांच है दो है। ठीक, ए क्रॉस बी हमें चाहिए। ए क्रॉस बी कैसे लिख देंगे? देखिए आई लेंगे, ये रो और कॉलम बंद, रो दूनी कितना हो जाएगा चार, माइनस ए पाचम कितना हो गया पच्चीस हो गया। ठीक, जे है तो ये कैंसिल, तीन दूनी छः, माइनस लगेगा पाँच जाए पंद्रह, तो ये पंद्रह हो गया। के लिखेंगे तो के जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको बंद कर देंगे। ठीक, ये बंद किए क्रिया का इसका गुणा करेंगे, तीन पचे पंद्रह, वो भी माइनस में तो माइनस पंद्रह, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, तीन दूनी छः तो माइनस छः, इतना हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया आई कैप चार प्लस पच्चीस हो गया, ये माइनस जे कैप है, जे कैप ये छः माइनस पंद्रह, छः माइनस पंद्रह कितना होता है तो नौ, माइनस नौ हो गया। के है पंद्रह छः कितना है इक्कीस, माइनस इक्कीस हो गया, अभी पच्चीस और चार उनतीस हो गया, ये आ गया उनतीस आई कैप, और ये माइनस माइनस प्लस नौ जे कैप, और ये माइनस इक्कीस के कैप, ये इक्कीस के का कैप है। तो एक रास बी हम लोगों का इतना। ठीक है, इस प्रकार हम लोग दो सदिशों का सदिश गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, दो सदिशों का सदिश गुणनफल इस प्रकार हम लोग इकाई सदिश के रूप में ज्ञात करते हैं, जबकि आई कैप जे कैप और के कैप हम लोगों को दिया जाएगा। ये देखिए वेक्टर ए है थ्री आई कैप टू जे कैप फाइव के कैप, वेक्टर बी है थ्री आई कैप माइनस फाइव जे कैप प्लस टू के कैप। कह रहा है ए और बी का सदिश गुणनफल सारणिक रूप चाहिए, तो ए और बी हमने जो दिया था वही लिख दिया। सारणिक रूप का मतलब कि इनको दो लाइनों के बीच में लिखना है, यानी आई जे के लिखेंगे तो पहले ए दिया है तो ए ही लिखेंगे, ए के एलिमेंट आई जे के वाले लिख लीजिए तीन दो पाँच, और फिर बी वाले लिख लीजिए तीन माइनस पाँच और दो, ठीक है तीन माइनस पाँच और दो लिख लीजिए। ठीक, आई लेंगे आई वाला बंद हो गया, दो दूनी चार हो गया, फिर माइनस लगाएंगे पचम पच्चीस हो गया माइनस पच्चीस, जे कैप लेते हैं। ठीक, ये प्लस ये माइनस लिखता, ये प्लस माइनस प्लस। ठीक, माइनस जे लिए अब ये वाला बंद हो जाएगा, जे वाला ये तीन दूनी छः हो जाएगा, बीच में माइनस लगाते हैं पाँच के पंद्रह, ये बंद हुआ है तो तीन दूनी छः पाँच के पंद्रह। ठीक, के लिए हैं के वाला बंद इसमें भी सुना, तीन का माइनस पाँच में माइनस पंद्रह, तीन का दो में बीच में माइनस लगता माइनस छः। ठीक, अब इसको जोड़ घटा लेंगे जो आएगा वो एक रास बी हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं सारणिक विधि द्वारा दो सदिशों का सदिश गुणनफल ज्ञात करना। ठीक है, अब मान लीजिए हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना होता। ठीक, तो जो मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे तो उसके लिए मॉड बी भी जरूरत पड़ेगी, यानी ए क्रॉस बी का, ठीक है ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? तो अंडर रूट ट्वेंटी नाइन का स्क्वायर प्लस नाइन का स्क्वायर, और ट्वेंटी वन है माइनस माइनस ट्वेंटी वन का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तब इसका मॉड निकल जाएगा, और यूनिट वेक्टर यानी मात्रक सदिश निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वही वेक्टर ए क्रॉस बी लिख देंगे अपॉन मॉड में ए क्रॉस बी। तो इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, मात्रक सदिश भी आराम से दो सदिशों का ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का आज दो सदिशों का सदिश गुणनफल हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
इसमें हम लोग अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, सदिशों का योग, सदिशों का अंतर, इस पर कुछ प्रश्नावली, कुछ जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।